दिन बीतते जा रहे हैं लेकिन धीरज साहू के यहाँ नोटों का मिलने का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। किसी एक संस्था की छापेमारी में इतने नोट आज तक कभी बरामद नहीं हुए। नोट की मशीनें थक गई हैं। आयकर विभाग के कर्मचारी नोट गिनते गिनते हांफ रहे हैं। कांग्रेस के करप्शन पर मोदी ने जो आरोप लगाए वो आज देश के हर नागरिक के मोबाइल फोन पर वायरल हो रहे हैं। 2024 के ठीक पहले लगे इस झटके से कांग्रेस पार्टी कैसे उबर पाएगी? नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते, उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया। इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी नोट बरामदगी हुई है। पहले नोट गिनने की 36 मशीनें लगाई गई थी, अब नोट गिनने की 40 मशीनें लगानी पड़ी हैं। नोट गिनने वाली मशीनें कम पड़ गई हैं। नोटों का इतना बड़ा अंबार है कि आयकर विभाग के तमाम कर्मचारियों के हाथ नोट गिनते गिनते थक चुके हैं। नोट गिनते गिनते मशीनें हांफ गई हैं। कर्मचारियों की तो बात ही क्या करें। यकीन नहीं हो रहा तो ये तस्वीरें देख लीजिए। नोटों के बंडल नंबर 1, नोटों के बंडल नंबर 2, नोटों के बंडल नंबर 3, नोटों के बंडल नंबर 4, नोटों के बंडल नंबर 5, नोटों के बंडल नंबर 6, नोटों के बंडल नंबर 7, नोटों के बंडल नंबर 8, नोटों के बंडल नंबर 9, नोटों के बंडल नंबर 10, नोटों के बंडल नंबर 11, नोटों के बंडल नंबर 12, नोटों के बंडल नंबर 13, नोटों के बंडल नंबर 14, नोटों के बंडल नंबर 15, नोटों के बंडल नंबर 16, नोटों के बंडल नंबर 17, नोटों के बंडल नंबर 18, नोटों के बंडल नंबर 19, नोटों के बंडल नंबर 20, नोटों के बंडल नंबर 21। इस तस्वीर में जो लोग लंबी मेज पर दूर दूर नजर आ रहे हैं वो भी नोट गिनने के काम में ही लगे हैं, यानी दर्जनों नोटों के बंडल बरामद हुए हैं। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अब आगे देखिए, नोटों की अलमारी नंबर 1, नोटों की अलमारी नंबर 2, नोटों की अलमारी नंबर 3, नोटों की अलमारी नंबर 4, नोटों की अलमारी नंबर 5, नोटों के बैग नंबर 1, नोटों के बैग नंबर 2, नोटों के बैग नंबर 3, नोटों के बैग नंबर 4, नोटों के बैग नंबर 5, नोटों के बैग नंबर 6, नोटों के बैग नंबर 7, नोटों के बैग नंबर 8, नोटों के बैग नंबर 9, नोटों के बैग नंबर 10, नोटों के बैग नंबर 11, नोटों के बैग नंबर 12। ये देखकर आप हैरान हो रहे होंगे, इतने नोट कभी एक साथ देखे हैं क्या? एक एक अलमारी नोट से ठसाठस भरी है। आम लोगों की अलमारियों में तो आम चीजें होती हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू से जुड़ी कंपनी की अलमारियां हैं जिसमें नोट ही नोट भरे हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि बुधवार को शुरू हुई इस छापेमारी में नकदी यानी कैश की जब्ती किसी भी एजेंसी द्वारा एक ही ऑपरेशन में अब तक की सबसे अधिक काले धन की बरामदगी बन जाएगी। लाखों की संख्या में मिले नोटों को पैक करने के लिए लगभग 200 बैग का इस्तेमाल किया गया था और इनमें से कुछ बैग अभी भी बंद हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों के कैंपस में नोटों की गिनती अभी भी जारी है क्योंकि आयकर विभाग ने लगभग 40 बड़ी और छोटी नोट गिनने की मशीनें तैनात की हैं और अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं।
मशीनों की संख्या कम होने के कारण नोटों की गिनती सामान्य से धीमी गति से हो रही थी। धीरज साहू के आवास पर एक के बाद एक कैश के बैग खोले जा रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी का सांसद धीरज साहू के कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो ही बता सकते हैं और उन्हें बताना भी चाहिए कि आयकर अधिकारियों ने कथित तौर पर उनकी संपत्तियों से कितनी बड़ी मात्रा में नकदी का खुलासा किया है। धीरज साहू को जुलाई 2009 में कांग्रेस के राज्यसभा सीट के लिए टिकट मिला। वो कथित तौर पर बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की समूह कंपनी बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड में भागीदार है। साहू सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी राय साहब बलदेव साहू और सुशीला देवी के पुत्र हैं। वो पूर्व लोकसभा सांसद शिव प्रसाद साहू के भाई हैं। उनका परिवार स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही कांग्रेस से जुड़ा रहा है। धीरज साहू की वेबसाइट के मुताबिक वो लोकसभा की कोयला, खान और इस्पात समिति के सदस्य भी हैं। धीरज साहू द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। हलफनामे में धीरज साहू ने बताया था कि उनके पास रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू KV42 और पेजोरो कारें हैं। आयकर विभाग ने पहले यह कहा कि 200 करोड़ के करीब नोट जब्त हो सकते हैं, लेकिन नोट और मिलते जा रहे थे। इसीलिए आयकर विभाग ने नया अनुमान जारी किया कि 250 करोड़ के करीब नोट जब्त हो सकते हैं। लेकिन अब समाचार ये है कि अब तक 300 करोड़ के नोट मिल चुके हैं। अभी ना जाने कितना बड़ा खजाना कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के कंपनियों के परिसर और उनके घर में छुपा हुआ है। इतना बड़ा खजाना कि कुबेर का खजाना भी फीका पड़ जाए। बीजेपी नोटों के इस पहाड़ को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री खुद इस पर ट्वीट कर चुके हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया है। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। सैकड़ों करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है, परंतु चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे JDU हो, चाहे RJD हो, ये सारे दल DMK सहित चुप बैठे हैं। सपा भी चुप बैठी है, कोई रिएक्शन नहीं। झूठ बोलकर किस तरह से इनकम टैक्स की चोरी करके 300 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे, इसकी पूरी पड़ताल आयकर विभाग ने शुरू कर दी है। अब तो आयकर विभाग ने धीरज साहू की कंपनियों के कैंपस के अलावा धीरज साहू के घर पर भी छापेमारी का काम शुरू कर दिया है। लगातार जो बात आई है कि यहाँ पर हर बार जो आम लोगों के बीच भी चर्चा का विषय है, खास करके जो इस पर सियासत भी हो रही है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि धीरज साहू जो हैं एक तरीके से खानदानी कारोबारी हैं और प्रतिष्ठित कारोबारी हैं। लेकिन इस पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि चूंकि ये बहुत से ज़्यादा मामला ये टैक्स चोरी का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कांग्रेस फिलहाल इस पूरे मामले में यह कर रही है कि बीजेपी नेताओं को खुद अपने ऊपर भी देखना चाहिए कि नोटबंदी के दौरान कई ऐसे मामले आए थे जिसमें उनके नेता पर भी पैसे बरामद हुए थे उनके ठिकानों से। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस यहाँ पर जो सांसद हैं यहाँ पर धीरज साहू, उनके आवास के बाहर गतिविधियाँ तेज है और बताया जा रहा है कि जो कैश की बरामदगी है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। आयकर विभाग उस वक्त चौंक गया जब आयकर अधिकारियों ने धीरज साहू के झारखंड के रांची में मौजूद घर पर छापेमारी की। धीरज साहू के घर से 3 बैग जब्त किए गए और दावा किया जा रहा है कि इन तीनों बैग्स में जेवर ही जेवर है। करप्ट राजनेता किस तरह से पूरे देश की व्यवस्था की आंखों में धूल झोंकते हैं, इसका एक नमूना कांग्रेस के सांसद धीरज साहू ने भी पेश किया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने 2018 में चुनाव आयोग को बताया था कि उनके पास कुल 34 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन आयकर विभाग को धीरज साहू के पास से अब तक 300 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है। धीरज साहू कांग्रेस पार्टी के कोई छुटभैया नेता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार राज्यसभा का सांसद चुनकर उनको दिल्ली भेजा है। अब झारखंड में बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पैसे लेकर धीरज साहू को बार बार राज्यसभा में भेजा। सारा पैसा, गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है, एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे।
और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। धीरज साहू की राजनीतिक हैसियत कांग्रेस पार्टी के अंदर कितनी बड़ी है आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा झारखंड में शुरू हुई तो धीरज साहू राहुल गांधी के साथ साथ राहुल गांधी के करीब चलते हुए नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा में धीरज साहू न सिर्फ साझेदार थे बल्कि झारखंड के अंदर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को हिट कराने की जिम्मेदारी भी धीरज साहू पर थी। जब धीरज साहू कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद बने उस वक्त भी उनकी तस्वीर राहुल गांधी के साथ सामने आई थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी धीरज साहू नजर आए और ये तस्वीर अब पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है कि इतना कैश इतनी नकदी कहां से आती है कांग्रेस के नेताओं के पास और उस पर जब ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो ये विक्टिम कार्ड कहां तक जायज है भाई। जब आपके नेताओं के पास से अनअकाउंटेड इतना कैश बरामद होता है तो इसकी जवाबदेही भी आपकी बनती है और उसके बाद ये विक्टिम कार्ड चलना कि भाई कांग्रेस विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट किया जाता है गलत है। ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सारे नोट जिसको देखकर देश के करोड़ों लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, क्या ये सारा खजाना वो इनकम टैक्स है जो शराब के जरिए कमाया गया लेकिन सरकार से चुराया गया। कांग्रेस का ये करप्शन का दुकान है और इसीलिए कांग्रेस को लोगों ने नकारा है और ये पूरा करप्शन देश के सारे व्यवहार में आया है। कांग्रेस माने करप्शन। कांग्रेस सांसद धीरज साहू का परिवार शराब कारोबार से जुड़ा रहा है। बलदेव साहू और ग्रुप ऑफ कंपनी मूल रूप से झारखंड के लोहरदगा जिले की है। इस कंपनी ने 40 साल पहले ओडिशा में देसी शराब बनानी शुरू की थी और बाद में ये शराब की बड़ी कंपनी बन गई। आरोपी बंटी साहू भी शराब कंपनी में बलदेव साहू इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। इन सभी आरोपियों से आयकर विभाग ने पूछताछ शुरू कर दी है। खास बात यह है कि तीन राज्यों में चुनावी जीत के बाद ही शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा था कि करप्शन पर सरकार के एक्शन को जनता से समर्थन मिला है। भाजपा की केंद्र सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो अभियान छेड़ रखा है उसको भारी जन समर्थन मिल रहा है। ये उन दलों उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। कुल मिलाकर साल 2014 के चुनाव में भी बीजेपी ने घोटालों की लिस्ट दिखाकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेल दिया था लेकिन अब इतने नोटों के अलमारियां देखकर ही जनता को मोदी का मैसेज मिल गया है। करप्शन के मुद्दे पर अब कांग्रेस के लिए जवाब दे पाना काफी मुश्किल नजर आता है।